फैन की धमकी। भाई ऐसी क्या धमकी दे रहे हैं मुनव्वर फैन बिग बॉस को, चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। काफी सारी चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर हो रही है मुनव्वर को लेके। 50-50 चांस जो है बिग बॉस 16 में आने के लिए हो रहे हैं मुनव्वर के। पर इसी दौरान ही काफी सारी ऐसी खबरें भी हैं जो कि आप लोगों के लिए भी जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है जब आप मुनव्वर के फैन हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है खुशी रू। तो गाइस मुनव्वर फारूकी के जब स्टार्टिंग में बातें चली थी कि बिग बॉस 16 बहुत जल्द आने वाला है, तब उस वक्त मुनव्वर को भी अप्रोच किया गया है, इसके बारे में जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी। इसके बाद जो है मुनव्वर जो है काफी ज्यादा चर्चा में आए, एक तो अपने नाजिला के साथ ब्रेकअप को लेके, हालांकि उनका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, इसके बारे में जानकारी हाल ही में ही उन्होंने खुद दी। और उसी दौरान ही बहुत ही बड़े मुद्दे जो है सामने निकल के आए, उनके जो स्टैंड अप कॉमेडी शो है वो लगातार जो है कैंसिल होते गए, और उसी दौरान ही जहां जहां शो होने थे वहां वहां उनको बैन कर दिया गया। और ये रीजन रहा कि उन्होंने पास्ट में, अपनी पास्ट की लाइफ में जो है वो हिंदू धर्म को थोड़ा हर्ट किया था, जिसके चलते हुए आज भी जो है उनको काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब चीजों को लेके बीच में ये सब बातें आ रही थी, जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी कि मुनव्वर फारूकी को हर जगह पर बैन किया जा रहा है। तो पहले अप्रोच तो किया गया था, पर बिग बॉस 16 के मेकर्स ये सब चीजें देख के ये चीज चाहते हैं कि मुनव्वर फारूकी को ना बुलाया जाए। अभी एक नई अपडेट आई है, मुनव्वर फारूकी को जो है बिग बॉस 16 के मेकर्स जो है वो बुलाना भी चाहते हैं, नहीं भी बुलाना चाहते हैं। अभी भी 50-50 चांस हो चुका है मुनव्वर फारूकी के नाम का, जहां पर वो नहीं चाहते हैं कि मुनव्वर फारूकी के पीछे जो केसेस जुड़े हुए हैं या प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई है वो बिग बॉस 16 तक ना पहुंच जाए और उनके शो को बैन ना किया जाए। इसीलिए बिग बॉस 16 के मेकर्स जो है वो काफी ज्यादा टेंशन में, मुनव्वर फारूकी को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। ये जो खबरें अभी फैंस के सामने आई हैं, तब फैंस जो है लगातार ये बोलने लग गए हैं कि अगर मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 16 में नहीं दिखाई देगा तो हम लोग तो बिग बॉस 16 को देखेंगे ही नहीं। और मुनव्वर फारूकी की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, मुनव्वर फारूकी को इतना ज्यादा प्यार किया जाता है कि अगर वो दिखाई दिए तो उनका शो बैन नहीं, उनका शो हिट हो जाएगा। तो ये मेकर्स जो है उनकी पॉपुलैरिटी से इतना ज्यादा डर चुके हैं, क्योंकि मेकर्स हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी चीज करते हैं जो कि जनता को निराश करते हैं और अपने ही फेवरेट कंटेस्टेंट को आगे लेके जाते हैं। अगर मुनव्वर फारूकी आ गए तो पहले से ही उनका बना बनाया बेस है, तो जो चीज मेकर्स ने सोची होगी वो चीज हो नहीं पाएगी मुनव्वर फारूकी के आने पे। इसीलिए अभी मुनव्वर फारूकी के फैंस जो है वो ये धमकी दे रहे हैं कि भाई मेकर्स जो है मुनव्वर फारूकी की पॉपुलैरिटी से डर चुके हैं। अभी आपका क्या विचार है, क्या सच में मेकर्स ऐसे ही डर चुके हैं? अब भी मुनव्वर फारूकी का 50-50 चांस जो है वो बिग बॉस 16 में आने का है। और तो और मेकर्स ये भी बात कर रहे हैं, सोर्सेस से ऐसी अपडेट आ रही है कि मुनव्वर फारूकी को बुलाया तो जाएगा, पर एज अ कंटेस्टेंट तो बुलाया जाएगा, पर अभी स्टार्टिंग में नहीं, एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है उनको दिलाई जाएगी। पर जनता जो है नहीं चाहती है कि मुनव्वर फारूकी वाइल्ड कार्ड एंट्री में आए, क्योंकि आज तक कोई भी वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है वो जीत नहीं पाई। पर मुनव्वर फारूकी के फैंस चाहते हैं कि वो मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 16 भी जीते और उसकी ट्रॉफी भी वो अपने हाथ में ले। हालांकि अभी आपके क्या विचार है इस अपडेट से जुड़े हुए जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।